हेलो गाइस, आज आप लोगों को गुडविल चैप्टर से सवाल बताने वाले हैं। और गुडविल चैप्टर का जो पहला सवाल है वो सवाल आज हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग इसको ध्यान से आपको क्या करना है देखना है और ध्यान से क्या करना है पढ़ना है और वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के बाद आपको पता चले कि अच्छा लगता है, ठीक है, आप समझ पाते हैं समझ जाते हैं तो वीडियो के अंत में ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपको लिए आप लोगों के लिए बहुत हम मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करके दिन रात एक करके के आप लोगों के लिए हम वीडियो क्या करते हैं बनाते हैं। खास करके अभी तो एग्जामिनेशन का टाइम है और आप लोग 2023 में एग्ज़ाम भी देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो सब खास वीडियो माना जाता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से और आप लोग इसको ध्यान से आपको क्या करना है सुनना है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो ज़रूर है और हम आशा रखते हैं और विश्वास भी करते हैं कि 100% आप क्या करेंगे समझ जाएंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है वन, एक क्वेश्चन नंबर आपका दिया है वन। क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले इस बात को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। क्वेश्चन आपका जो है अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का लाभ 12,000, 18,000, 20,000 तथा 10,000 रुपया है। आपसे पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के क्रमूल पर ख्याति की गणना करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 4 इयर्स का, इसका 4 इयर्स का आपको क्या दिया है एवरेज प्रॉफिट दिया है। तो आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज प्रॉफिट पी आर ओ एफ आई टी, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 4 साल का दिया है, 4 साल का अमाउंट में पाला दिया है 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000, ठीक है, 12,000 आप प्लस दिया है आपको 18,000, फिर प्लस आपको दिया हुआ है आपको 10,000 दिया है, 12,000, 18,000 और आपको दिया है कितना 20,000, ये आपका 20,000 दिया है आप प्लस आपको जो दिया है चौथा वर्ष में दिया है आपको 10,000, ये हो गया आपको 10,000 हो गया, ठीक है। और बट्टा में आपको हो गया 4 वर्ष का है, 1, 2, 3, 4 वर्ष का है, बट्टा में हम लोग 4 ले लिए, 4 वर्ष का है तो 4 संख्या कर दिए भाग दिए, अब इसको जोड़िए, अब जोड़ लीजिए, अब कैसे होगा 18 और 20, 8 2 10 के 0, 1 1 2 3 30,000 और 30 और 20 कितना होगा 30 50,000 और 10,000 वो कितना हो गया 60,000, कितना इसका हो गया 60,000 हुआ रे 60,000, तो ये आपका हुआ कितना 60,000, ठीक है 60,000 अब बटे 4। अगर आपको दिक्कत होता है जोड़ने में तो आप ऐसे जोड़ें, ये 0 0 0 0 तो 0 हुआ, ये 0 0 0 0 तो क्या हुआ 0 हुआ, फिर 0 0 इसमें का 0 0 क्या हुआ 0 हो गया, अब आइए इसमें 0 0 8 8 2 10 के कितना 0 हाथ में 1 हो गया, 1 2 1 कितना 3 3 1 4 4 1 5 1 8 कितना कितना 6। अभी जोड़ने का आसान तरीका है, इस ढंग से भी आप क्या कर सकते हैं आसानी से आप क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। जोड़ना भी एक कला है, जोड़ना भी एक कला है, सब आदमी जो है ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ये जोड़ने का भी विधि होता है, सब आदमी से ये सब विधि नहीं आता है, इसलिए जोड़ने का तरीका भी आपको क्या करना पड़ेगा अपनाना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन टाइम है, एग्जामिनेशन टाइम में आपको जब आप परीक्षा देंगे तो उसको शॉर्ट विधि को क्या कहता है इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका टाइम क्या हो बच सके, उसके बाद आप सब सवाल को आप क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं, अन्यथा आपसे डील नहीं हो पाएगा, बहुत क्वेश्चन आपसे क्या हो जाए छूट भी जा सकता है, छूट भी सकता है कि नहीं है, इसीलिए इसको जोड़ेंगे। आप इसको हम काटेंगे तो 15 चौका कितना हो गया 60, ये 15 बढ़ते आपको कट गया, ये निकल गया कितना 15,000, ठीक है, ये आपका निकल गया कितना 15,000 निकल गया 15,000, ठीक।
और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी होता है एवरेज प्रॉफिट का, ये टोटल आपका प्रॉफिट बटे आपका नंबर ऑफ आपका क्या होता है ईयर्स, ये मैंने इसका फॉर्मूला भी होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। तो चार वर्षों का दिया है तो चार वर्ष से हम लोग क्या करते हैं भाग दिए, फॉर्मूला से भी आप चाहेंगे बनाना तो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ये फॉर्मूले ही है, ये आपका फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है क्या टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट इतना हो गया, ईयर्स आपका कितना दिया है चार वर्ष, चार से क्या किया डिवाइड कर दिए। अब निकालना आपका गुडविल, क्या निकालना है गुडविल, तो आप गुडविल निकालना है तो गुडविल का आपका फॉर्मूला होता है ये आपका होगा गुडविल, गुडविल बराबर आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ए वी ई आर ए जी ई एवरेज प्रॉफिट, ई आर ओ एफ आई एवरेज प्रॉफिट, और गुणे होता है परचेजिंग ईयर्स, उन्हें क्या होता है परचेजिंग, यू आर सी एच ए एस आई एन जी परचेजिंग ईयर्स, वाई ई ए आर एस परचेजिंग ईयर्स। अब देखिए आसानी से आप बना सकते हैं, हमको लगता नहीं है कि जो विद्यार्थी देख रहा है बढ़िया से वो नहीं समझता होगा, ये हमको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, अगर बढ़िया से अगर देखेगा वीडियो को ध्यान से देखेगा अंत तक देखेगा तो मैं चैलेंज करता हूं कि विद्यार्थी सीख जाएगा। आज जो देख भी नहीं कहेगा बढ़िया से वीडियो चला दिया है और उधर मैं घूम गया है, वीडियो चला दिया है आ क्या उधर मैं घूम गया है, वीडियो चला दिया है आ खाना खा रहा है, उससे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप भी कहीं नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते हैं। वीडियो चलाने का मतलब है कि ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हम क्या बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, उसके बाद माइंड में आपका सेटअप होगा, माइंड सेट करेगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। बात को फॉलो कर रहे हैं कि कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप देखो इसको, अब ये गुडविल आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला है 15 है, कितना निकला है 15 है, अगुने अब परचेजिंग ईयर्स आपको लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज ही आता है इसमें लिखा हुआ है कि आपसे पिछले चार वर्षों के औसत लाभ के आधार पर तीन वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, तीन वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकाला जाएगा 3 ईयर्स परचेज, मैं तीन वर्षों के क्रय पर परचेजिंग ईयर्स कितना होगा 3, परचेजिंग ईयर्स कितना गया 3 हो गया ना 3 ईयर्स हो गया, तो अब आइए ये 3 से परचेजिंग 3 हो गया, 3 से लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 दिया कितना होगा 45, यही 45,000 रुपया आपको गुडविल निकल गया, क्या निकल गया गुडविल निकल गया, यही आपका क्या है आंसर दिया हुआ है 45,000 रुपया आपका क्या दिया है आंसर दिया हुआ है। आप कहिए कि इसको आप ही समझिए, आप ही हमको बताइए कि इसको समझने में क्या कठिनाई है, हमको तो लगता नहीं है कि कोई परेशानी हुई हो, अब फिर भी परेशानी होता है या होती है, ये परेशानी होता है या होती है, ये वीडियो दोनों आदमी देखता होगा, क्या लड़की भी देखता होगा लड़का भी देखता होगा, क्या बोझिए पुरुष भी देखता होगा औरत भी क्या होगी देखती होगी, क्या बोझिए तुमको महिलाएं भी क्या देखती होगी, तो हमारे कहने का मतलब है अगर सही निगाहों से सही दृष्टि से अगर अगर इसको देखा जाए और देखती होगी या देखता होगा तो अवश्य ही उसको समझ में क्या करेगा आ जाएगा, उस पर नो डॉट इन इट, बात को फॉलो कर रहे हैं कर रहे हैं समझ रहे बात को ना। अब देखिए बहुत से बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं सर आप ख्याति पढ़ाते हैं ख्याति नहीं जानते हैं, गुडविल क्या है, व्हाट इज गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुडविल, तो आज तक तुमने कभी ख्याति इतना मैंने पढ़ाया इतना लेक्चर दिया कभी ने थिंकिंग नहीं किया ख्याति क्या, हम पहले ही बताए थे अब बार बार हम जो वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि ख्याति क्या एक अदृश्य संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको क्या किया जाता है अनुभव किया जाता है, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, इसका नाम है आपको ख्याति, तो ये कौन बड़ी बात है। अब ख्याति तो ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई फेमस हो जाता है, क्या बुझे कोई भी आदमी फेमस हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया प्रसिद्ध हो गया, उसी को हम लोग ख्याति कहते हैं, कोई गांव भी प्रसिद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति भी प्रसिद्ध हो जाता है, कोई दुकान भी प्रसिद्ध हो जाता है कि नहीं, बड़े बड़े व्यापार जो फेमस हो जाता है, फेमस होने का मतलब क्या उसका गुडविल क्या बढ़ गया वो प्रसिद्ध हो गया, क्या बुझे तुमको हम पहले भी कैट हो एग्जाम्पल देकर के तुम लोग को हम बताते रहते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लगेंगे, हम ज्यादातर बाटा का जरा एग्जाम्पल लेते हैं,
क्या कि बाटा अपने आप में क्या फेमस हो गया है, क्योंकि वो इतनी अच्छी वस्तु बनाती है, क्या बुझतों को, और अच्छी रहे न रहे, क्या बुझे अपना ख्याति क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है, गूगल अपना क्या क्या प्राप्त कर लिया है, अपना नेम फेम क्या क्या बना लिया है कि नहीं है। तो उसके अगल बगल में भी बहुत सारा दुकान रहता है, उसके यहाँ सामान परचेज नहीं करके उसी के मैंने क्या करता है, मैंने परचेज क्यों, वो अपना ईमानदारी बचाया हुआ है। ईमानदारी क्या है, उसके सब वस्तु में देखा जितना भी गुड्स रहता है उसके सब का प्राइस रहता है, आपको 99 लग जाता है, 199, 299, 399, 499, 599, 699, 799, 899, 999, 999, सब में 999 एक तो फिक्स प्राइस रखा हुआ है। और दुकानदार के पास जब तो और दुकानदार क्या कहेगा कि 50 रुपया चीखेगा, 200 में देंगे, 300 में देंगे, 400, उसको कोई ठीक ठाक नहीं रहता है, इसीलिए वहाँ से कस्टमर क्या होता है भड़क जाता है, वहाँ कस्टमर वहाँ से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन जो अपनी ईमानदारी बचाई हुई रहती है उसके यहाँ कस्टमर क्या आता है, आपको जाता ही है। अब उसके यहाँ मर क्या का बच्चा जाए, बुढ़वा जाए, लड़का जाए, लड़की जाए, कोई भी कन्हा कुतरा दुल्हा नार कोई भी जाए, लेकिन एक ही प्राइस मिलता है, क्या बोलिए तुमको, एक ही प्राइस मतलब आपको मिलता है। आपको पसंद है तो लीजिए, और नहीं पसंद है तो आप क्या कीजिए, नहीं लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई एतराज नहीं है, क्या मुझे। अब आइए हम गुरबिल पर चर्चा करते हैं, तो उसका गुरबिल हो गया, इसका क्या हो गया, गुरबिल हो गया, नाम नाम दिखता है, तो गुरबिल क्या है, जो व्यापार का अतिरिक्त लाभ हुआ, व्यापार का क्या हुआ, व्यापार के अतिरिक्त लाभ को भी हम लोग क्या करते हैं, ख्याति कहते हैं, व्यापार जो हो रहा है व्यापार के अलावे उसको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिल रही है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, गुरबिल कहते हैं, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। उसमें कौन बड़ी बात है, कौन बड़ी झंझट है, जो तुमको याद नहीं होता, तुम समझते नहीं हो, फिर भी अगर नहीं समझते हो तो तुम लोग को बताया जाता है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने प्रॉब्लम को क्या कीजिए, कमेंट करके आप लिखिए, उसको सलूशन हम जरूर देंगे। और जब कभी आप माने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम 24 आवर आपके सलूशन देने के लिए हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो कमेंट कीजिए, तब तो इतना भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास में, फिर ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान कहीं दुकान में नहीं मिलता है जो तुम खरीद करके ले लेगा, ज्ञान किसी दुकान में नहीं मिलता है, 5 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया नहीं मिलता है। ऐसा होता तो बड़े बड़े महान बड़े बड़े धनी व्यक्ति सब है, रिचेस्ट मैन सब है, वही अब खरीद करके क्या करता है, यूज करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, बात को फॉलो करेंगे रहें। तो ये आपका क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट से हुआ, इसका हम कुछ भी क्या क्या 45 या क्या क्या है निकाल दिए हैं। अब उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग बना देते हैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम जो बनाते हैं हूबहू माने उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट आपका चेंजिंग है लेकिन सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 से हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन 2 आप थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया है। देखिए ये सवाल में कुछ लॉस को भी बीच में क्या किया है, एडजस्ट कर दिया है, क्या वो ये लॉस को हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे बताते हैं, इस चीज को भी थोड़ा आप लोग गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। इसमें ए बी सी, ए बी और सी फॉर्म फॉर्म की ए बी सी है ना कि फॉर्म पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में है, साहेदारों ने अपनी बहियों में पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने के आधार पर ख्याति खाता खोलने का निर्णय लिया, पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नलिखित प्रकार है, इसमें 5 वर्ष का लाभ दिया है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष, फिर इसमें आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, औसत लाभ, क्या कहते हैं इसको, औसत लाभ कहते हैं। तो ये आपका होगा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, ए वी ई आर ए जी ई एवरेज प्रॉफिट, पी आर ओ एफ आई टी एवरेज प्रॉफिट, आप 5 वर्षों का आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना दिया है देख लीजिए, आपका 20,000 दिया है, 15,000 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000, यहाँ कितना लिखेंगे 20,000, हाँ आप प्लस कितना लिखेंगे 15,000, ठीक है, और प्लस प्लस आपको लिखेंगे कितना 20,000 15,000, उसके बाद है 5,000 10,000, प्लस आपका दिया कितना 5,000, हाँ आप प्लस कितना दिया 10,000, ठीक है, और लॉस आपको बीच में दिया है आपको कितना 5,000, क्या दिया है लॉस, इसमें सब प्रॉफिट में था, इसमें एक आपको नया वर्ड आ गया लॉस, क्या गया है नया वर्ड, क्या गया लॉस रे, याद याद रे, नया वर्ड क्या गया लॉस, लॉस आपका दिया कितना 5,000, कितना दिया है 5,000 रुपया आपको क्या दिया है लॉस दिया है, ठीक, लेकिन अब यह 5 ईयर्स हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं,
बात समझ रहा है कि नहीं? इधर भी ध्यान दो ना, समझ रहा है? एक वर्ष हुआ, दो वर्ष हुआ, तीन वर्ष हुआ, चार वर्ष हुआ, पांच वर्ष हुआ ना। अब इसको बट्टा में क्या करेंगे हम, फाइव क्या करेंगे बट्टा में, फाइव कर देंगे। है सिंपल, वेरी सिंपल है। अब इसी को विद्यार्थी कहता है पहाड़ है, हम नहीं समझते हैं, नहीं बुझते हैं। रहेगा ना, पढ़ेगा तब ना बुझेगा, और नहीं पढ़ेगा तो तुम कैसे बुझ जाएगा? अपने मने आ जाएगा, अपने मने आएगा ना। क्या कहा जाता है कि कुआं के पास प्यासे जाते हैं, कुआं के पास प्यासे जाते हैं, कुआं प्यासे के पास नहीं जाते। प्यास लगा है तुमको ना, तो कुआं के पास जाना ही पड़ेगा। तुम कितना ऐ क्या कुकू को करो, उसे काम चलने वाला क्या नहीं है। तुमको भूख लगा है, प्यास लगा है, तो तुमको भूख नहीं प्यास लगा है तो कुआं के पास तुमको चल करके जाना पड़ेगा, आ नहीं तो भूख ले रहो मर जाओ, उसका कोई उपाय नहीं है कि नहीं है। अब समझाते तू समझ में नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा माथा में जाकर पेश जाएंगे, माथा में जाकर बताएंगे? नहीं, तुमको इसी के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से तुमको क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। और क्या टकटकी लगाकर देखना पड़ेगा, जैसे बगुला अपना शिकार को पकड़ने के लिए एक ही टांग पर खड़ा हो जाता है और देखता है कि मछली जब इस रास्ते से गया गुप दिखकर मार देता है, वैसे ही तुमको भी क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब तुम्हारा जो शिकार धराएगा। शिकार धाएगा मतलब क्या, मंजिल की तुमको प्राप्ति कभी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। बात को फॉलो कर रहे हैं, कर रहा है बात फॉलो कर रहा है ना। सवाल किया, चुटकी बजाएंगे अध्याय दिया बन जाएगा। सवाल किया है, समझना तुमको है, सीखना तुमको है, हमको नहीं है। तुम बढ़िया से देखोगे, समझोगे, सीखोगे तो तुमको आएगा, और नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं कि तुमको इस ढंग से बता दे कि तुम्हारे माइंड के अंदर जो इस वेबसाइट बना हुआ है उसमें तुमको हम चाहते हैं लिख दें, लेकिन वहां भी जो लिख देंगे तो वहां सेव करने वाला मशीन जो रहता है, वो बटन जो रहता है, तो वहां जाकर बटन को नहीं दाबेगा तो सेव नहीं होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो वहां तक छोड़ने के बाद तुमको जो है वहां पर छोड़ने के बाद तुमको जो है वहां सेव का जो बटन है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, जरूर दबाना पड़ेगा, तबे तुमको जो है क्या होगा, दिमाग में एडजस्ट करेगा, वो रहेगा अन्यथा नहीं रहेगा। आइए हम थोड़ा सवाल पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, देखो जोड़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान दो जोड़ने कैसे, 10,000 में जब 5,000 घटा देंगे कितना होगा, 5,000 होगा ना, 5,000 यहाँ बच गया, 5, 10,000 और 10,000 ये हो गया, और 10, 10 कितना 20,000, और 20 और 5 कितना होगा 25,000, 25,000 ये हो गया, और 20,000 ये हो गया, तो कितना 25 और 1,000 और 20,000 यहाँ जोड़ लीजिए, ये 25,000 हो गया, और यहाँ हो गया कितना होगा 20,000 हो गया, तो आपका हो गया कितना 45,000, ठीक है। ये सुख ले तुमको 45,000 हो गया, हो गया 45,000 हो गया ना। हम क्या किए हैं, नया बात क्या किए हैं, जहां माइनस है उसको घटा दिया, नहीं ये पूरा को जोड़ लीजिए, इसमें से 5,000 क्या कीजिए घटा दीजिए, वो तरीका है। क्या बुझा तुमको, तो ये निकल गया तुमको कितना 45,000, कितना निकल गया 45,000 निकल गया। आप बट्टे में लिखे हैं 5, आप 5 नवा कितना आ गया, 5 नवा 45, कितना आ गया 9,000 आ गया, ये तुमको हो गया कितना आ गया 9,000 आ गया, ठीक 9,000 आ गया। अब तुमको निकालना है क्या चीज, गुडविल, क्या फाइन करना है, क्या फाइन करना है, गुडविल। अब गुडविल जो फाइन करना है तो गुडविल बराबर तुमको ये फार्मूला होता है, ये गुडविल जी डबल ओ डी गुडविल, गुडविल बराबर आपका ये फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ये होता है एवरेज प्रॉफिट आगुने होता है परचेजिंग है, सब शॉर्ट में लिख दिए हैं, उन लोग बुझ जाएगा एवरेज प्रॉफिट उन्हें क्या दिया परचेजिंग है। आप थोड़ा सा देखिए कि एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया 9,000, यहाँ ध्यान दो, माथा को उधर उधर नहीं घुमाना, यहाँ दिया कितना 9,000 दिया है, आपने परचेजिंग ईयर कितना दिया है वो थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि परचेजिंग ईयर तुमको कितना दिया हुआ है। अब देखिए परचेजिंग ईयर जो दिया हुआ है तुमको कितना दिया, 2 वर्ष, यहाँ दुगुने पर दिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले यहाँ दिया हुआ है क्या कि आपको दो गुने, यहाँ कितना दिया है 2 गुने, परचेजिंग ईयर 2 गुना दिया है,
अब इस पे 2 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 2 कितना का 18,000। ये आपका 18,000 ये आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया। अब तू आंसर तुम देख सकते हो इसमें 18,000 रुपया है कि नहीं है, तब तुमको पता चलेगा एकदम आंसर आपका क्या है, राइट है 18,000 रुपया। ये बात को समझा कि नहीं समझा, आप भी तुम अगर समझ गए हो तो जरूर तुम वीडियो को क्या करना, देख करके वीडियो को अगर अच्छा लगने करेगा, नहीं लगने की बातें नहीं है, क्या भैया तुमको अच्छा तो लगना ही है, नहीं की बातें नहीं होती मेरे पास में। तो इसको जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। अगर अगर मान ले जाए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। और अगला सवाल अगर सब्सक्राइब कर देगा तो इसी तरह से अगला सवाल का अपडेट तुम्हारे पास मिलता रहेगा। थैंक यू।